अबे यार ये बंदा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं कब से लेकर इससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह फाइनली इनुमा की कहाँ पे है तू? मैं कब से लेकर तुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैल्प मास्टर लीफ तू ना हो। अबे यार क्या मतलब मैं तुझे कॉल क्यों कर रहा हूँ? अभी थोड़ी देर में मेरा शो शुरू होने वाला है, भूल गया क्या? बनी तो बनितो फ्लिक्स। अबे क्या मतलब कौन सा शो? भूल गया क्या? पिछले कली तो मैंने तेरे को उसके बारे में बताया था और तुझे याद है ना तुझे जज का रोल करना है, तो जल्दी से आ जा। तू ना हो बनितो फ्लिक्स कैल्प इकुरारो। इनुमा की तू बुरा कि तेरे सामने एक कर्स है? मतलब तू किसी मिशन पे है क्या? शाके शाके शाके। चल कोई ना इनुमा की, तू एक काम कर, उस कर्ज को एक्सरसाइज कर ले और बस जिंदा वापिस आइयो। तकाना शाके। हिलना सख्त मना है। अबे यार उस बेवकूफ कर्ज की इनुमा की यहाँ पे नहीं आ सकता सीरियसली, और मैं इतनी जल्दी किसी को बुला भी नहीं पाऊंगा। आई एम टोटली स्क्रूड। लगता है मेरे को गुजो सेंसे को इन्फॉर्म कर ही देना चाहिए। ओए नानामी मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, किसी चीज के बारे में बात करते हैं ना, नहीं तो पिछले कल के जो बचे हुए राइस बॉल थे उसके साथ कैच कैच खेलते हैं, मजा आएगा। वैसे आइडिया अच्छा है लेकिन नहीं मुझे नहीं खेलना। ना ना मैं, तुम सच में बहुत ज्यादा बोरिंग बन गए हो, लेकिन तुम्हें पता है मुझे आज एक शो पे भी बुलाया है। अच्छा है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नानामी तुम भी मेरे साथ शो पे चलो ना। नहीं मुझे नहीं जाना। नानामी वो तो ठीक है तुम्हें मेरे साथ शो पे नहीं आना, पर अपनी लेफ्ट पॉकेट चेक कर लेना। ओए इशिरो तू मुझे कॉल करा था क्या? नहीं नहीं सेंसी, वो शायद 5 बार ना गलती से मिल गया होगा। अच्छा फिर ठीक है मैं तुझे स्टूडियो में मिलता हूँ। अरे नहीं गोजो सेंसी मेरी बात तो सुनो, एक छोटी सी बड़ी प्रॉब्लम होगी है। अरे जो भी प्रॉब्लम हुई होगी वो सॉल्व हो जाएगी। और वैसे एक चीज बताऊँ, मैं तेरे स्टूडियो के नीचे ही खड़ा हूँ। क्या आप मेरे स्टूडियो के नीचे खड़े हो? अबे यार आप इतनी जल्दी यहाँ पे क्या कर रहे हो? ओ हाँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अच्छा याद है मुझे मेरे एक जीनियस स्टूडेंट ने बताया था कि आज हमारा शो है, लगता है भूल गया होगा। अरे नहीं गोजो सेंसी मेरा मतलब वो नहीं था। चलो कोई ना, आप एक काम करो ऊपर आ जाओ फिर ही बात करते हैं। अब बताइए शिरो क्या प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है क्या? ओके तो देखो गोजो सेंसी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि हम दोनों को ये जुजुत्सु कैंपेन बैटल को कैंसिल करना पड़ेगा। करना तो नहीं चाहता लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। तो हमारी बैटल को कैंसिल करना चाहता है? आखिर हुआ क्या है बता तो सही, क्या पता मैं तेरी कोई हेल्प कर पाऊँ। वैसे प्रॉब्लम तो कुछ ज्यादा खास बड़ी नहीं है लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो बात यह कि मेरे पास अभी कोई भी बंदा नहीं है जो कि जज का रोल कर सके। पहले इनुमा की आने वाला था पर अनफॉर्चुनेटली उसको हायर अप्स ने एक मिशन पे भेज दिया। तेरे पास एक जज ना होने के कारण तुम्हारी बैटल और इस शो को कैंसिल करने की सोच रहा है? बेवकूफ है तू एक नंबर का। गोजो सेंसे जो मैंने आपको पिछले कल इस शो के बारे में बताया था कुछ याद है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, वही ना कि ये शो एक गैम्बल की तरह है। अच्छा तो मतलब गोजो सेंसे आपको हमारी कन्वर्सेशन याद है, तो ये भी याद ही होगा कि जजेस का क्या रोल होने वाला है इस शो में। देख मुझे तो याद है पर तू एक्सप्लेन करने में अच्छा है तो एक्सप्लेन करेगा। वेल मेरे पास कोई और रास्ता है? अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं। लगता है मैंने ये पूछ के गलती कर दी, तो मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। वेल वैसे मैं चीजों को एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा बुरा हूँ लेकिन फिर भी मैं जज के रोल को एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई करूंगा। तो देखो अगर कोई भी सॉर्सर एक जुजुत्सु गैम्बल जज बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले 2 में से 1 रिक्वायरमेंट फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि या तो तुम एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर होनी चाहिए हो, नहीं तो तुमने पहले कभी भी जुजुत्सु गैम्बल में खेला हो। इन 2 में से अगर कोई भी रिक्वायरमेंट तुम फिल कर देते हो तो तुम जुजुत्सु गैम्बल जज बनने के लिए रेडी हो। लेकिन एक सेकेंड, क्वेश्चन ये नहीं था कि जुजुत्सु गैम्बल जज बनते कैसे, क्वेश्चन तो ये था ना कि जुजुत्सु गैम्बल जज का रोल क्या होता है। तो देखो एक जुजुत्सु गैम्बल जज का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक कंट्री के लिए एक प्राइम मिनिस्टर का होता है। फॉर एग्जांपल पिछली बार इस गेम को यूटा ओकोत्सु और इनुमा की तोगे ने खेला था और उसका जज कौन था? हमारे प्यारे सातोरू गोजो सेंसे। ओए इशिरो तुझे कैसे पता मैं पहले एक जुजुत्सु गैम्बल जज रह चुका हूँ? सेंसे मेरे को इनुमा की ने बताया था। वैसे ये बातें बताना अलाउड तो नहीं है लेकिन कोई ना मैं जाने देता हूँ। तो गोजो सेंसे इसका मतलब ये कि आप एग्री कर रहे हो कि आप पहले एक जुजुत्सु गैम्बल जज रह चुके हो, तो मेरे से फालतू में क्यों पूछ रहे हो सारे के सारे रूल्स? इशिरो तू जानना चाहता है तो चल एक डील करते हैं, तू सब कुछ एक्सप्लेन कर और मैं तुझे बता दूंगा। ये कैसी डील है जिसे मेरे को एक्सप्लेन करने के बाद पता चलेगा कि मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? तू एक्सप्लेन करेगा कि नहीं? ठीक है करता हूँ लेकिन उसका पक्का बताना कि एक्सप्लेन क्यों करवाया। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है मैंने जहाँ से छोड़ा था मैं वापस वहीं से एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। तो देखो जुजुत्सु गैम्बल गेम्स में जजेस की इंपॉर्टेंस इस वजह से इतनी ज्यादा होती है क्योंकि बिना इनकी परमिशन के कोई भी गेम स्टार्ट नहीं हो सकती, और अगर परमिशन मिल भी जाए तो उसके बाद एक बाइंडिंग वो अप्लाई होता है दोनों प्लेयर्स के ऊपर जो कि प्रूफ होता है उनके इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने का। और एट लास्ट जुजुत्सु गैम्बल गेम्स बिल्कुल पोकर की तरह होती है जहां पर तुम्हारी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी या फिर कर्स टेक्निक दांव पर लगी होती है और जो भी प्लेयर उसे जीतता है उसे उसके ओपोनेंट की और खुद की कर्स एनर्जी मिल जाती है, बट ओनली इन ए सिग्निफिकेंट अमाउंट।
इशिरो, तुझे पता है तू एक टीचर की तरह समझाता है। ओ अच्छा, थैंक यू गोजो सेंसे। पर अभी ये बताओ ना कि आपने मेरे से इतना सब कुछ एक्सप्लेन क्यों करवाया? देख, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ये सारी चीजें ब्रॉडकास्ट हो रही थी। गोजो सेंसे, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये कि तुझे दुनिया के हर एक सॉर्सरर ने सुना है। गोजो सेंसे, देखो मजाक करना बंद करो, ये बताओ ना कि आपने मेरे से इतना सब कुछ एक्सप्लेन क्यों करवाया? इशिरो, ये कोई मजाक नहीं है। गोजो सेंसे, क्या मतलब ये कोई मजाक नहीं है? मतलब ये सारी सॉर्सरर ने देख लिया? हाँ बिल्कुल, सबने देख लिया। एग्जैक्टली गोजो सेंसे। ओए इशिरो, इतना पैनिक करने से तू इस शो को ही होस्ट कर ले। ओ हाँ हाँ हाँ, मैं होस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इस शो को होस्ट करता हूँ। इशिरो, अगर इतना पैनिक करेगा तो इस शो को होस्ट कैसे करेगा? मैं कहाँ पैनिक कर रहा हूँ, और अगर कर भी रहा हूँ तो वो आपकी गलती है। देख, तुझे पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है जज वाली प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। क्या कैसा आइडिया? इशिरो, सबसे पहले तू घबराना बंद कर और अब मेरी बातों को ध्यान से सुनियो। हम दोनों को एक डिल्यूजन क्रिएट करना है जिसके थ्रू हमें जज और साथ ही में थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा। ओके, लेकिन वो हम करेंगे कैसे? तो सुन, हम दोनों को एक रोज पेडल करनी पड़ेगी जिससे हमें टाइम मिल सकता है। कोजो सेंसे, आपका प्लान सच में काफी ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब हम दोनों इस रोज पेडल के बीच में अपने लिए एक जज को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग इस गैम्बल को भी खेल पाएंगे। हाँ, यही मेरा प्लान था। अच्छा है, तुझे जल्दी समझ आ गया। ओके, तो गोजो सेंसे, मैं रोज पेडल के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ये हुई ना बात। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है जुजुत्सु गैम्बल रोज पेडल के पहले राउंड में। वैसे तो मैं ये बैटल करना नहीं चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एक स्पेशल रिक्वेस्ट मिली है। आप उस व्यक्ति को अच्छे से जानते ही होंगे, आवर ऑनर्ड वन, द वन एंड ओनली किट कैट, नो आई एम सॉरी, सातोरु गोजो। सो गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम। और मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त मेकिंग अलाइव। देख, वैसे तो मैं तेरी बेइज्जती करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। तो गोजो सेंसे, देखो मैं फालतू की बात करना पसंद करता नहीं हूं, तो मैं सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट ही बात करूंगा। तो देखो, मेरी ऑडियंस के पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको किट कैट कितनी ज्यादा पसंद है? आप अपना ऑनेस्ट रिएक्शन देना और साथ ही में बी ट्रूथफुल। अच्छा देख, मेरे को किटकैट का तो ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन मैं लिटरली में बोलूं तो मुझे तेरी ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि थोड़ी सी है पर लॉयल सिर्फ मेरे लिए है। गोजो सेंसे, मेरे को लगता है पागल हो गए हो, क्योंकि मैंने आपसे ऑडियंस के बारे में नहीं किटकैट के बारे में पूछा था। मेरे को आपका ओपिनियन किटकैट के ऊपर चाहिए। आपको किटकैट पसंद है कि नहीं, ना कि मेरी ऑडियंस के बारे में। बीच में क्यों घुसड़ देते हो और किसी को? वैसे लगता है ये कि तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, क्योंकि तू अपने आप को एक परफेक्शनिस्ट समझता है और इसी वजह से तू अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से मैं फेमस हूं और तू नहीं। वैसे थैंक्स अबाउट इट, पर ये रोस्ट था कि ज्ञान था? तुम जो भी समझना चाहते हो तुम समझ सकते हो, पर क्यों ना अब अपनी असली रोस्ट बैटल शुरू की जाए। ओके सेंसे, ठीक है, हम लोग रोस्ट बैटल तो शुरू करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले ये बताओ कि ये रोस्ट बैटल फ्रेंडली होने वाली है या फिर पूरी की पूरी सीरियस? तुझे मेरा रिएक्शन देखकर क्या लग रहा है? ऑब्वियसली एक सीरियस रोस्ट बैटल है, तो इसलिए मैं इसको सीरियसली ही लेने वाला हूं। तू जितना चाहे इस रोस्ट बैटल को सीरियस ले सकता है, पर जीतूंगा तो मैं ही। कौन जीतेगा और कौन हारेगा वो तो इस रोस्ट बैटल के खत्म होने के बाद ही पता चलेगा गोजो सेंसे। पर अभी हमारा पहला राउंड शुरू होता है। अबे, इस राउंड को स्टार्ट करने से पहले किसी जज को तो सिलेक्ट कर ले। ओ हाँ, मैं उसके बारे में तो बिल्कुल भूल ही गया था, लेकिन जज का रोल कर कौन सकता है? फुशिगुरो कैसा रहेगा? कौन? मैगुमी?
नहीं वो तो बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों? मेरे को तो लगा था कि फुशुगोर हमारी बेस्ट ऑप्शन होगा। हाँ वैसे उससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कोई है भी नहीं, लेकिन वो बेचारा यहाँ तक आ नहीं पाएगा। पर क्यों, किसी मिशन पे गया है क्या? अरे नहीं, बस बात यह है कि मैंने आज सुबह उसके जूते चुरा लिए थे। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन उसके जूते छिपाने से उसकी यहाँ आने का क्या कनेक्शन? वैसे ज्यादा कुछ नहीं, बस अभी अपने सारे जूते ढूंढ रहा होगा। ओके नहीं मतलब आपने उसके सारे जूते छिपा दिए? अरे वाह तुम तो बहुत जल्दी समझ गए, मेरे को लगा था कि तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा, पर एग्जैक्टली मैंने यही किया है। ओके That explains a lot. पर मेरे को genuinely मैगुमी के लिए बुरा लग रहा है, वो इस बंदे को सहता कैसे है? आखिर मेरे सारे जूते किधर गए बेवकूफ गोजो सेंसे? अभी गोजो सेंसे की वजह से फुशुगोरो तो यहाँ पर नहीं आ सकता, तो मैं किसे बुला सकता हूँ जो जज का रोल कर सकता है? ओके वेट, हाँ मेरे को भी कुछ याद आया, गोजो सेंसे आपके पास एक और स्टूडेंट भी था, शायद उसका नाम कुछ हाँ यूजी तादोरी है, तो हम उसको भी तो बुला सकते हैं जज का रोल करने के लिए। ओ हाँ मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। पर सेंसे वो यहाँ पे पहुंच तो जाएगा ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आखिर मैं उसे बुलाने वाला हूँ, और वैसे भी मैं भी उससे काफी ज्यादा दिनों से नहीं मिला, तो ये हम दोनों के लिए काफी अच्छा मौका है। अरे नहीं गोजो सेंसे मेरा मतलब वो नहीं था, मेरे को लगा कि आपने फुशुगोरो की तरह यूजी के भी जूते चुरा लिए होंगे। अरे नहीं अब मैं अपने हर स्टूडेंट को परेशान थोड़ी ना करूंगा। ओके तो ये रीजन है कि फुशुगोरो हमेशा इतना चिड़ावा रहता है, लेकिन ओके गोजो सेंसे एक काम करते हैं, यूजी को बुला ही लेते हैं। अच्छा ठीक है, तू दो मिनट रुक, मैं पांच मिनट में आता हूँ। ठीक है गोजो सेंसे, बट वेट व्हाट? कैसा है? देख अभी हाल चाल पूछने के लिए मेरे पास जरा टाइम नहीं है, लेकिन तू एक काम कर जल्दी से उस बेवकूफ के स्टूडियो आ जा। हाँ हाँ उसमें की लाइफ कही